टैबलेट इकोस्प्रीन यूएसबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। प्रेगनेंसी में लो डोज एस्पिरिन अर्थात इकोस्प्रीन 75 ही यूज होता है। इकोस्प्रीन में एस्पिरिन होता है जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन एक ब्लड थिनर है जिसे एंटी प्लेटलेट ड्रग भी कहते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग अर्थात जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता हो, यानी इकोस्प्रीन का यूज वहाँ होता है जहाँ ब्लड क्लॉट होता हो, जैसे प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स या प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद RPL यानी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या प्रेगनेंसी विद हाई चांस ऑफ प्री एक्लेम्प्सिया। क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल हैं थ्रोम्बोफिलिया, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, फैक्टर 5 लेडेन। इन तीनों तरह के क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड क्लॉट बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। यह इकोस्प्रीन इसी ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है और प्रेगनेंसी सेफ रहता है। दूसरा है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट मिसकैरेज या हैबिचुअल एबॉर्शन, जो प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस के कारण भी होता है। इकोस्प्रीन इसी प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस को रोकता है अर्थात प्लेसेंटा में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने नहीं देता है, जिससे मिसकैरेज नहीं होता है। और तीसरा है प्री एक्लेम्प्सिया, जिसमें प्रेग्नेंट वीमेन को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसमें थ्रोम्बोजेन A2 जो प्लेटलेट्स और प्लेसेंटा द्वारा बनता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके प्लेटलेट एग्रीगेशन के चांस को बढ़ा देता है और ब्लड क्लॉट होने लगता है। इकोस्प्रीन जो एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है प्लेटलेट एग्रीगेशन होने नहीं देता है और इस तरह इकोस्प्रीन प्रेग्नेंट वीमेन को प्री एक्लेम्प्सिया से बचाता है। तो अब आप जान गए होंगे इकोस्प्रीन को किस तरह के प्रेग्नेंट वीमेन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब जानिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स और डोज। इकोस्प्रीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज एंड पेप्टिक अल्सरेशन और इनका डोज है 75 मिलीग्राम OD। थैंक यू फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।